जय हिंद दोस्तों, हम में से हर कोई ये जरूर चाहता है कि भैया कोई ऐसी जगह पैसे लगा दे जहां से हम करोड़ों रुपए कमा सके। मतलब हम कहीं पर अपना थोड़ा पैसा ऐसी जगह लगा दे जो फ्यूचर में हमें करोड़ों का रिटर्न दे दे। जी हां, चाहते हो? बिल्कुल चाहते हो, मैं भी चाहता हूं। तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, यह इन्वेस्टमेंट जो आपको 500 रुपए से 5 करोड़ देने का औकात रखता है। जी हां, आज आपको मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट क्लास बताऊंगा, एक ऐसे जगह पैसे लगाने के बारे में बताऊंगा जिससे आप फ्यूचर में करोड़ों कमा सकते हो। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड है, ऐसा नहीं कि भैया थ्योरेटिकली बोल के चला गया, नहीं। आज के समय जो दुनिया में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इससे पैसा बनाओगे। प्रॉपर माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से स्टैटिस्टिकली डेटा सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट करके आपको दूंगा, प्रॉपर प्रूफ करूंगा आपको कि कैसे ये मेथड काम करेगा। तो आपको इन 5 स्टेप को बस फॉलो करना है एंड उसके बाद आप अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाओगे शेयर बाजार से, इसका मेरा वादा है। बस मेरे पे भरोसा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, जितना हो सके उतना प्रश्न पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे दिग्गज के साथ पॉडकास्ट लाने वाला हूं कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। बस तो आप चैनल पर बने रहिए। अब सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है जो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको आज के समय पैसा कमाना है तो आपको ना सेंटीमेंट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट को समझना पड़ेगा। जी हां, आज के समय भारत में जो शेयर बाजार है ना, आज के समय भारत का जो शेयर बाजार है वो फंडामेंटली कम थोड़ा सेंटीमेंट के साथ सोचता है। आज का जो भारत का शेयर बाजार में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, जो भी लोग आज के समय शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, उसमें से मेजॉरिटी लोग आज सिर्फ सेंटीमेंट को देखकर पैसा लगा रहे हैं। हालांकि ये चीज गलत है, ये चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक्निकली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में आप सेंटीमेंट के बेस में पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन ओवर अ मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन, अगर आप 1 से 5 साल की बात करो तो आप सेंटीमेंट ड्रिवन जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है उससे बहुत पैसा कमा सकते हो। अब शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी कि सर ये सेंटीमेंट क्या होता है, सेंटीमेंट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो जरा ऐसे समझिए। देखिए, आज के समय आप जब हमारे भारत का शेयर बाजार को देखोगे तो यहां पे जो DIIs है, ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो महीने दर महीने हर महीने नेट परचेज किए जा रहे हैं। मतलब वो अपना पैसा शेयर बाजार में लगाए जा रहे हैं। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जैसे कि भारत का म्यूचुअल फंड्स, भारत के बड़े बड़े बैंक्स, LICs, NBFCs, ये जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो अपना पैसा, जो भारत की कंपनीज है, वो अपना पैसा शेयर बाजार में बहुत ज्यादा मात्रा में लगाई जा रही है, जिसके वजह से आज के समय हमारा जो शेयर बाजार है वो कुछ इस प्रकार ऊपर बढ़ रहा है। आज के समय हमारे शेयर बाजार की ये हाल हो रखी है, आप देखोगे हर दिन ऐसे 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 करके हमारा शेयर बाजार धीरे 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 बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। इसके वजह से लोगों के अंदर एक सेंटीमेंट राइज हो रहा है। सेंटीमेंट मतलब लोगों के अंदर ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है बहुत ज्यादा। लोग शेयर बाजार को लेकर मतलब सीना ठोक के बोल रहा है कि मुझे भी शेयर बाजार में पैसा लगाना है, मुझे भी राकेश झुनझुनवाला बनना है, मुझे भी हर्षद मेहता बनना है, ठीक है। और ये सिलसिला पिछले 4-5 साल से चले आ रहा है, जब से कोविड खत्म हुआ है। और पिछले 4 साल में अगर आप भारत का शेयर बाजार देखोगे ना, आफ्टर कोविड भयंकर तेजी से भारत का शेयर बाजार ऊपर गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो DIIs है, वो अपना पैसा शेयर बाजार में लगा रही है। अब वो थोड़ा मोड़ा पैसा तो आपके और हमारे तरह लगाएंगे नहीं, उनका पैसा हजारों करोड़ों की क्वांटिटी में लगेगा। जैसे देखिए यहां पर अभी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर भारत के शेयर बाजार में जो DIIs है उन्होंने लगभग 48,278 करोड़ की खरीदारी करी है, 48,000 करोड़ की खरीदारी करी है जो DIIs है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो भारत के बड़े बड़े बैंक्स, म्यूचुअल फंड, NBFCs है, उन्होंने अपना पैसा शेयर बाजार में लगाया है। अब इससे क्या होता है कि हर महीने 48,000, 50,000, 60,000 करोड़ जब शेयर बाजार में आते हैं तो इससे शेयर बाजार बहुत तेजी से ऊपर भागना शुरू होता है, बहुत तेजी से। और इससे क्या होता है कि इसको देखकर आपके दोस्त के पिताजी, उसके पिताजी के भाई, उसके चाचा, उसकी चाची, बुआ, मौसी, मामा, फूफी, मतलब पिंकी टिंकी, रीमा शीमा, जो है, सब अपना पैसा शेयर बाजार में लगा रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते जा रहे हैं लोग।
लोग क्या हो रहा है कि लोग सेंटिमेंट को देख रहे हैं, लोगों को आज के समय फर्क नहीं पड़ रहा है कि शेयर बाजार में कौन सी कंपनी फंडामेंटली खराब है, कौन सी कंपनी फंडामेंटली अच्छी, से फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने बोल दिया कि भैया जो रेलवे है ये इसमें बहुत ज्यादा सरकार पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, तो रेलवे सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी अच्छी है खराब उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग अंधाधुन रेलवे सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं और जो रेलवे स्टॉक्स है वो इस तरीके से ऊपर भाग रहा है भयंकर तेजी से। अभी रिसेंटली डिफेंस स्टॉक्स के साथ भी यही हुआ है, अभी रिसेंटली आप एग्रीकल्चर स्टॉक्स के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे अभी बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट करा है। फिर बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही हुआ है, जितने भी पीएसयूज है पब्लिक अंडरटेकिंग जितने भी है सरकारी कंपनीज उनके अंदर भयंकर रिटर्न बनी है। अब उनमें से बहुत कंपनी ऐसी भी थी जिनकी फंडामेंटल एकदम खराब, मतलब जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा है, जिसमें कोई ढंग का कैश नहीं है, जिसमें कोई ढंग की सेल्स नहीं हो पा रही है, फिर भी उनकी शेयर प्राइस भयंकर है, लोग भर भर के उनको वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो ये सेंटीमेंट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट है कि अगर किसी स्टॉक की फंडामेंटल खराब है फिर भी लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि लोग उसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं, लोग होड़ में लगाए चले जा रहे हैं। मार्केट में एक न्यूज निकल के आती है, उस न्यूज को एक बंदा फॉलो करता है, वो थोड़ा बहुत सच होता है, उसको देखा देखी और भी लोग उसको फॉलो करने लगते हैं और पंप क्रिएट होता है और वो शेयर का प्राइस ऊपर चलते चला जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको और दिखाता हूं, आप देख के हैरान हो जाओगे। ये देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे कि ये एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये देखिए ओवरवैल्यूड स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे अडानी इंटरप्राइज को, आप अडानी इंटरप्राइज को देखिए भैया, अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड बेसिकली ये जो कंपनी है, ये जो इंटरप्राइज है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, ये बड़े बड़े मतलब क्या बोलूं हैवी मशीनरी वाली बिजनेस है इनकी, और इतने भयंकर बिजनेस में जहां पर इतना कैपिटल लगता है, इतना हैवी डेट होता है, ऐसी कंपनीज के अंदर, ऐसी बिजनेस के अंदर जो इसका पीई चल रहा है ये 82.8 का है, लगभग 83 का पीई चल रहा है, 83 टाइम्स महंगा है ये कंपनी का शेयर। आप देखोगे इसका जो मार्केट कैपिटल है 3,44,000 करोड़ का है और आज के समय इसका शेयर प्राइस लगभग 3,000 के आसपास है, जो कि 83 टाइम्स महंगा है इस कंपनी के अर्निंग से। अब आप सोच के देखिए जिस कंपनी जो इंडस्ट्री में ये कंपनी है अडानी इंटरप्राइज, इसका इंडस्ट्री का पीई लगभग 38 के आसपास का है। हमेशा ऐसी तरीके की बिजनेस की जो पीई है वो 40 के अंडर रहनी चाहिए, 30 35 32 38 ठीक है, इतना ठीक है, चलो मैक्स टू मैक्स आपका 50 का पीई है, लेकिन यहां पर 83 टाइम्स ये शेयर महंगा है। क्यों? क्योंकि अडानी कंपनी का नाम चलता है मार्केट में, अंबानी अडानी, इसको बिना देखे लोग खरीदे जा रहे हैं, इनकी शेयर प्राइस बढ़ते जा रही है, डिमांड बहुत है, भयंकर डिमांड है, जिसकी वजह से शेयर बढ़ रही है। एंड फंडामेंटली कुछ खास नहीं है कंपनी, इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे तो -12% का सेल्स ग्रोथ है इस अडानी इंटरप्राइज का, फिर भी इसकी शेयर प्राइस ऊपर जाए जा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट। जी हाँ, अभी आप देखो ओला इलेक्ट्रिक की बात करो, ओला इलेक्ट्रिक को देखो, ओला इलेक्ट्रिक की शेयर प्राइस भयंकर तेजी से ऊपर भाग रही है। वारी रिन्यूएबल अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले बिना किसी रीजन के वारी रिन्यूएबल भयंकर तेजी से ऊपर भाग गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हाँ इसमें पैसा लगाना चाहिए, और ऊपर से DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी पैसा लगा रहे, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। तो ये जो सेंटीमेंट ड्रिवन जो ये इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से समझिएगा, ये सेंटीमेंट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट है, ये ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बहुत कुछ खास नहीं कर पाएगी, लेकिन ओवर अ शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन में इसका फायदा आप लोग बहुत उठा सकते हो। जी हां, इसका फायदा आपको उठाना ही चाहिए। आज के समय अगर बजट में अनाउंस हो गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भयंकर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, सरकार द्वारा पैसा लगाया जाएगा, तो जरूर उसके शेयर को पकड़िए, चाहे उसकी फंडामेंटल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो, वो थोड़ा बहुत आपको ओवरवैल्यूड भी दिख रहा है तो लीजिए उसको, लंबे समय मतलब 20-25 साल तक भले मत होल्ड कीजिए, लेकिन उसमें अपना पैसा लगाइए, इस सेंटीमेंट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाइए। जरूरी नहीं है कि हर चीज खराब होती है, आप इसमें स्विंग ट्रेड करके भी बहुत पैसा कमा सकते हो, मतलब आज खरीदा अगले एक साल के अंदर अंदर उसको बेचा, कभी भी 6 महीने 8 महीने 10 महीने, बहुत लोगों ने यह काम करा है बैंकिंग स्टॉक के साथ, रेलवे स्टॉक के साथ, डिफेंस स्टॉक्स के साथ, तो अब आप भी एग्रीकल्चर स्टॉक्स के साथ ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा और भी सेक्टर है, जैसे रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी आने वाले समय में बूम करने वाली है, तो आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हो, आप भी सेंटीमेंट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकते हो। जैसे जियो फाइनेंशियल को देख लो, जियो फाइनेंशियल कितना ओवरवैल्यूड है, कितना ज्यादा मार्केट उसको पीई दे रही है। आज अगर आप उस शेयर को खरीदने जाओगे तो वो शेयर आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो फंडामेंटल है उस हिसाब से उस कंपनी के शेयर प्राइस उसके काफी टाइम्स ऊपर चल रहा है आज के समय। क्यों?
क्योंकि लोग सेंटीमेंट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको तो पैसे कमाने से मतलब है ना। अगर आप एक्टिव हो, अगर आप अपने दिमाग से सोच सकते हो, तो ऐसे ऐसे शेयर्स में आप ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत पैसा बना सकते हो। अब इसको कैसे कैप्चर करना है, उसके लिए और भी स्टडीज मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसे कि SIP का रेट देखिए, आज के समय ये मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रहा है, आप देखिए भैया कि इंडिया में जो ये ग्रीन वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये सेंसेक्स का ग्रोथ है, ठीक है ना, ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ ये दर्शा रहा है ग्रीन लाइन। और ये जो रेड वाला लाइन है, ग्राफ है, ये दर्शा रहा है हमारे देश का जो बेसिकली SIP है। तो आप देखिए कि हमारे देश में SIP कितनी तेजी से भाग रहा है, कितना ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के SIP कर रहे हैं, एंड उसके कंपैरिजन में जो देश की एक्चुअल ग्रोथ है, जो निफ्टी की, सेंसेक्स की, जो इंडेक्स की ग्रोथ है, शेयर बाजार की ग्रोथ है, वो कितने टाइम्स ऊपर चली गई है। ये जो बीच का जो आप गैप देख रहे हो ना, ये भैया इसको गैप नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं भैया हाईली ओवरवैल्यूड मार्केट, जहां पर लोग पैसा लगा रहे हैं, लोगों की SIP भी बढ़ते जा रही है, लेकिन उसके तेजी से शेयर के प्राइस भी बढ़ते चली जा रही है। तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। आज के समय भारत का शेयर बाजार कोई छोटा मोटा शेयर बाजार नहीं रहा है। आज के समय भारत के शेयर बाजार के अंदर वो ताकत है कि आपको जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब भी आप बैठ कर खाओगे, अगर आपने ढंग से इन्वेस्टमेंट कर लिया तो। जैसे पुराने जमाने में हमारे बाप दादाजी लोग जमीन खरीदते थे ना, और जमीन का फायदा आज वो लोग उठाते हैं कि जमीन खरीद के हमारे दादाजी ने, परदादाजी ने छोड़ दिया एकदम खेत बीघा बीघा, और उसको बैठ के हमारे पिताजी लोग बस खाए जा रहे हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो पुराने पुश्तों की जमीन खा रहे हैं। तो वो जमीन वाला सिलसिला पहले चलता था, अब आने वाले जमाने में शेयर्स वाला सिलसिला चलेगा, क्योंकि लोग आज के समय जो शेयर्स खरीद रहे हैं उसका फायदा लोगों को आज से 10 साल बाद होगा, जब उस पैसे को लोग बैठकर खाना शुरू करेंगे। जी हां, ये होगा, ये आने वाला फ्यूचर है। आज के समय अगर आपको जमीन में पैसा लगाना हो तो जमीन इतनी महंगी हो चुकी है कि आपको 1 करोड़ रुपए एक बार में चाहिए उसको खरीदने के लिए। आप उसको पार्शियली नहीं खरीद सकते हो, मर जाएगा इंसान उसमें EMI करते 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 करते। लेकिन आज आप अपना शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट मात्र 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, ETF के थ्रू आप 20 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, 30 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। अब बताओ आप, इतना पैसा इसके अंदर है ना। अब आप बोलोगे सर इसको और डीप में थोड़ा समझाइए, कैसे करना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे हम अपना पैसा लगाए और कैसे हम सेंटीमेंट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाएं। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्यों एक शेयर प्राइस मूव करता है, व्हाई स्टॉक प्राइसेस मूव, कैसे कोई शेयर प्राइसेस मूव करता है, ये हाउ भी होना चाहिए, हाउ होना चाहिए था, हाउ स्टॉक प्राइसेस मूव, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि कैसे किसी शेयर की प्राइस बढ़ रही है। तो उसका 3 कारण होता है। सबसे पहला जो कारण होता है, जो एक्चुअली में आपको अमीर बनाएगा, वो होता है फंडामेंटल रीजन। जी हाँ, जब तक कोई कंपनी की फंडामेंटली वो स्ट्रांग नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में पैसा बना के नहीं दे सकती, भले शॉर्ट टर्म में देगी, लॉन्ग टर्म में नहीं बना के देगी, ठीक है ना। तो अगर किसी कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छी है, उसकी प्रॉफिट अच्छी है, उसकी रेवेन्यू अच्छी है, उसकी मतलब आप कह लो उसकी सेल्स बढ़िया है, उसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन काफी बढ़िया है, उसमें उस कंपनी में कैश है बहुत ज्यादा, उस कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, उस कंपनी के पास कम लाइबिलिटीज है, एसेट बहुत ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कि भैया वो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो वो फ्यूचर में आपको पैसा बनाकर देंगी। ऐसी बहुत सी कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, डाबर है, उसके बाद HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI है, ये जितने भी कंपनीज है, दीज आर वेरी गुड फंडामेंटल वाली कंपनी है ना। तो ये फ्यूचर में पैसा बना के देगी, भले ये कछुए के साल से चलेगी, लेकिन आपको पैसा बनाकर देंगी, राइट। इसके बाद जो दूसरा रीजन होता है शेयर के प्राइस के ऊपर बढ़ने का, वो होता है टेक्निकल रीजन। मतलब कि मान लीजिए कि जो ट्रेडर्स लोग जो जनरली देखते हैं, प्राइस देखते हैं, चार्ट देखते हैं, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है, एंड उसकी डिमांड सप्लाई के कारण, वो एक अलग किस्सा है, ठीक है ना। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रहा हूं, कि तीसरा जो कारण होता है स्टॉक प्राइस के मूव करने का, वो होता है सेंटीमेंट रीजन। जी हां, जो सेंटीमेंटल रीजन होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। आज मार्केट में न्यूज आ रहा है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर सरकार इतना पैसा लगाने वाली है, उसको देखकर एक बंदा जाता है पैसा लगाने उस सेक्टर के कंपनी में, उसको देखकर दूसरा आता है, दूसरे को देखकर तीसरा आता है, फिर तीसरे को देखकर चौथा आता है, उसको देखते 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 उस कंपनी में पैसा लगाते लगाते उसका शेयर प्राइस भयंकर तेजी से ऊपर भाग जाता है ना। यही तो हो रहा है मार्केट में, इसके अलावा और क्या हो रहा है। तो जब मार्केट में यही ट्रेंड चल रहा है, तो क्यों ना आप इस ट्रेंड को पकड़ो, क्यों ना आप इस ट्रेंड के अंदर घुस जाओ पूरी तरीके से। अगर आपको जानना है कि सर कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पर मैं सेंटीमेंट को फॉलो कर सकता हूं, जहां पर लोग देख रहे हैं कि ये शेयर ऊपर बढ़ सकता है, उसमें पैसा लगाया जा सकता है, राइट,
उसमें पैसा लगाया जा सकता है, इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, चाहे वो फंडामेंटली बहुत अच्छी भी क्यों ना हो या फिर बहुत अच्छी नहीं भी हो, तो भी उसमें पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी है। तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। ऐसे बहुत से शेयर्स मेरे दिमाग में अभी भरे पड़े हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, है ना। एंड आखिरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सेंटिमेंट जो इन्वेस्टमेंट है ये कैसे काम करता है और कैसे आप इसमें पैसा लगा सकते हो। जैसे अडानी इंटरप्राइज का नाम लेते हैं, इसका जो आज के समय पीई चल रहा है कि कितना टाइम्स इसका शेयर प्राइस महंगा है इसके इनकम से, तो लगभग 83 टाइम्स। मतलब अडानी इंटरप्राइज में आपको एक रुपए कमाने के लिए 83 रुपीस देना पड़ेगा। अब बताओ तो कितना महंगा कंपनी है आपके लिए, कितना महंगा सौदा है, है ना। अगर वो उस कंपनी की जो आज जो रेवेन्यू है, आज जो उसकी इनकम है, अर्निंग पर शेयर जो इनकम वो कमा रही है, अगर वही इनकम उसकी कंटिन्यू रहती है साल दर साल, तो लगभग 83 साल लग जाएंगे आपको अपनी एक्चुअल पैसे को निकालने में। 83 साल लग जाएंगे, 83 इयर्स लग जाएंगे आपके पैसे को डबल होने में, है ना, अगर वही कंटिन्यू रहता है। लेकिन मार्केट इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन। अगर आपको दिख रहा है कि कोई शेयर की प्राइस ऊपर जाने वाली है, जैसे कि अडानी, और चाहे वो फंडामेंटली बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत 25-30 साल उसको नहीं होल्ड करेंगे, लेकिन 2-4-5 साल के अंदर तो उसमें से पैसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये एक फेज होता है मार्केट के अंदर जहां पर ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है। सबसे पहला फेज ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है। ऑप्टिमिज्म मतलब किसी शेयर को लेकर मार्केट में हल्ला चल रहा है, किसी सेक्टर को लेकर मार्केट में हल्ला चल रहा है कि सेक्टर में सरकार बहुत पैसे लगाने वाली है, उसको देखा देखी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। अब लोगों के अंदर ऑप्टिमिज्म जाग रहा है, उस कंपनी को लेकर, उस सेक्टर को लेकर भरोसा जाग रहा है, तो लोग अब उस सेक्टर में पैसा लगाने का सोचेंगे। अब जैसे उसमें पैसा लगाने का सोचेंगे, तो उसमें और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ते चली जाएगी, फिर एक्साइटमेंट बढ़ेगी तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। अब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उसमें अब थ्रिल आएगा लोगों को कि अब यहां भी पैसा लगाते हैं, और यहां जब लोग पैसा लगाएंगे, लगाते 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 ये फेज चला जाएगा यूफोरिया फेज, जहां पर मतलब मार्केट बस फटने ही वाला होगा, शेयर की प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी होगी, एकदम मार्केट में पैनिक क्रिएट हो चुका होगा। तो उस समय उससे सबसे पहले निकलेंगे कौन? FII, DII, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो शेयर से निकलेंगे एंड थोड़ा एंजाइटी क्रिएट होगा, वो शेयर की प्राइस थोड़ी सी ऐसे जाते 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 अब जुप से ऐसे आना शुरू होगी, फिर उसमें डिक्लाइन शुरू होगा, फिर फियर शुरू होगा, फिर डिप्रेशन शुरू होगा, फिर वो एकदम फैंट हो जाएगा, वो शेयर का प्राइस पैनिक आएगा, शेयर का प्राइस बिल्कुल गिर जाएगा, बिल्कुल गिरेगा। तो अगर आपने ये वाले फेज को पकड़ लिया किसी शेयर के अंदर, चाहे उसकी फंडामेंटल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो, सुनना मेरी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूं खराब कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं कह रहा हूं कि अगर उसकी फंडामेंटल उतनी अच्छी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसको 20-25 साल होल्ड करने की, 20-25 साल के लिए आप उन सेक्टर को ही होल्ड करो, उन कंपनी को जिसमें आपको पूरा भरोसा है, जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद आपका रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इनको आप होल्ड करो। लेकिन उसके अलावा अगर आपको दिख रहा है कोई कंपनी में लोग घुस रहे हैं, लोगों के अंदर मतलब काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है, लोग भरोसा दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर घुसो, उसके अंदर पैसा लगाओ, लगाओ, क्योंकि वो ऊपर जाएगा, वो फटेगा, क्योंकि लोगों की सेंटिमेंट ही ऐसे काम करती है ना। तो उसका प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो क्या दिक्कत है भैया, यहां पैसा लगाएंगे और यहां पे बेचेंगे, यहां नहीं बेचेंगे तो यहां बेचेंगे, यहां बेचेंगे चलो यहां भी बेचेंगे, तो भी तो भैया पैसा कमाएंगे ना। अगर मैं यहां ना बेच करके यहां बेचता हूं, फियर में बेचता हूं, चलो यहां भी बेचता हूं, तो भी मैं पैसे कमाऊंगा ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस मौके का फायदा उठाइए, है ना, इसी से आप पैसे बना सकते हो। ये कुछ तरीका होता है ना भैया, जो चांस आपको बार बार जिंदगी में नहीं मिलता है। जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है। आज अगर आप यंग हो, अगर आपके पास समय है, अगर आप दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ ना। पैसा कमाने का मौका आपको जिंदगी बार बार नहीं देगा, एक टाइम बाद आपके पास भले पैसा होगा, लेकिन उस समय आपके पास दिमाग नहीं होगा उस पैसे को कैसे खर्च करें, आपके पास शरीर में जान नहीं होगा, समय नहीं होगा, क्या करोगे फिर। आज अगर फुर्ती है जिंदगी के अंदर, तुम्हारे अंदर अगर फुर्ती है, अगर तुम कर सकते हो तो करो ना, पैसा कमाओ, दबा के पैसा कमाओ, पेल के पैसा कमाओ, है ना। बाकी हम तो बैठे हैं ना आपको गाइड करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जाइए मार्केट को स्टडी कीजिए, देखिए कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में लोग बहुत बुलिश हो रहे हैं, लोग ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, उसमें सेंटिमेंट क्रिएट हो रही है, और अगर आपको मौका लग रहा है तो पैसा लगाइए, एक डेढ़ साल रुकिए, थोड़ा सा मार्केट का फायदा उठाइए एंड फटाक से निकल जाइए वहां से, सिंपल बात खत्म, इतना ही करना है। और उस पैसे को निकाल के प्रॉफिट को बुक कीजिए एंड उस पैसे को रोटेट कर दीजिए कहां पर, वही जो आपका कोर वाला जो स्टॉक्स है ना, जो कोर स्टॉक्स है, जैसे आपका HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, उसमें पैसा डाल दीजिए उस प्रॉफिट को, क्या दिक्कत है, और लंबे समय तक होल्ड कीजिए, पैसा ही पैसा कमाओगे मेरी जान, पैसा ही पैसा बनेगा, है ना।
शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, कोई भी डाउट है तो भी कमेंट कीजिए, चलेगा, बस कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मजा आ जाए। जिससे मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।